आज हमको लगा था मैच खेलेंगे, गेंद वेंद लेके आए थे, लेकिन जो श्रीसंत और गंभीर है इनके ऊपर मामला गंभीर हो गया है। गंभीर इसलिए क्योंकि श्रीसंत पर अब LCC लेजेंड लीग जो क्रिकेट है उन्होंने नोटिस भेज दिया है, उसी के उस बात करेंगे। मैं हूं असद, मेरे साथ फारूक। फारूक, गेंद अपने हाथ में थी, उम्मीद थी मैच खेलेंगे, बिल्कुल काम छोड़ता नहीं है साथ, लेकिन क्या करें मजबूरी और काम साथ नहीं छोड़ता है। तुरंत अब ऐसे ऐसे वारदात हो जाती है हमारे आसपास के, उसके बारे में बात करना जरूरी है। देखिए मुद्दा था जो वारदातें बदलता जा रहा है, क्योंकि पहले हुआ नॉर्मल गेम ऑफ क्रिकेट में आप देखते हैं पिच पर कुछ ना कुछ हो ही जाता है और हो गया कुछ, गर्मा गर्मी हो गई, बहुत था खत्म करो बात, लेकिन मैदान के बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन श्रीसंत ने थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली ले लिया और गंभीर, देखिए मेरा सिंपल कहना है गंभीर की स्टेटमेंट के साथ मैं आज भी बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखता हूं कि व्हाट हैपेंस इन ग्राउंड उसको ग्राउंड में ही रहने दो, इट शुड स्टे इन ग्राउंड, व्हाट हैपेंस इन ग्राउंड व्हाट हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस, तो आपको रहने देना चाहिए वहां। लेकिन आपने क्या करा, आपने वीडियो बनाई पहले, तो आई डोंट नो क्या चाहिए था आपको उस वीडियो से, आपको कोई गलत कह नहीं जाता, आप खुद को खामखा सही करने आ गए और इसीलिए शायद एक्शन उन पे लिया गया। मैं बताता हूं, LCC ने एक्शन ले लिया, नोटिस भेज दिया श्रीसंत को कि भैया आपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका उल्लंघन कर दिया, कोड ऑफ कंडक्ट का आपने उल्लंघन किया है और उसके मुताबिक आपको किसी भी प्लेयर से कोई इशू होता है उसके बारे में बखेड़ा खड़ा नहीं करना होता है ऑन फील्ड या ऑफ फील्ड, सोशल मीडिया पर भी नहीं करना चाहिए। LCC साफ साफ ये बात कहता है कि सोशल मीडिया पर भी जाकर के आप नहीं कर सकते, जो कि खुले में किया गया है, मतलब बहुत लाइव आके यार लाइव आके उन्होंने इस तरह की बातचीत खुले में किया है, वीडियो बनाई है, पोस्ट पर रिप्लाई करा है, कॉमेंट करा है, उनकी वाइफ ने कॉमेंट करा है, तो मतलब सब मिलजुल करके, हाँ सब मिलजुल करके गंभीर पर लगा था और उस पर इरफान पठान का भी रिप्लाई आया है। क्या बात है, मतलब गुड वेज या गुड न्यूज वगैरह कुछ उन्होंने पर रिप्लाई कर दिया, तो मतलब यह है कि श्रीसंत कहीं ना कहीं जो है वो फंस गए हैं अपने उस जाल में जो वो शुरू में बिछा रहे थे वीडियोस बना करके और ये करके LCC के नोटिस की वजह से। अच्छा। जो लीगल वहां मामला फंस गया ना, यहां पे दिख जाएगी और LCC ने बोल दिया पहले आपको सोशल मीडिया से वीडियो डिलीट कीजिए, तब हम बात करेंगे। बिल्कुल, तो पहले वीडियो हटाइए तो बात करेंगे, वरना तो भाई आप ऑलरेडी फंस चुके हैं। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं श्रीसंत ने ना अब अपने लिए दिक्कत इसलिए बड़ी कर ली है, अगर आप देखो आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं रहे हो, IPL में आप हो नहीं, उसके बाद लेजेंड्स लीग बचा था आपके पास, अगर यहाँ से मामला ऊपर नीचे, क्योंकि मुझे लगता है गंभीर ने सबसे अच्छी चीज क्या की है, उन्होंने कुछ फालतू स्टेटमेंट दी ही नहीं। देखिए गंभीर का जो गंभीर बहुत स्मार्ट आदमी है यार, पॉलिटिकल आदमी स्मार्ट है, पूरा पता है कैसे उस बंदे ने एक पोस्ट डाली, वो साफ साफ कह सकता है कि वो पोस्ट श्रीसंत के लिए है ही नहीं, मेरी मर्जी। उसने बस लिखा स्माइल व्हेन द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गेटिंग अटेंशन, ठीक है वो सिंपल एक लाइन लिख दी, एक पोस्ट डाल दी, अपने ही फोटो डाल दी हंसते हुए, ऐसे भी किसी और की डाली है। और श्रीसंत भाई साहब जो है वो बजावते गौतम गंभीर द फाइटर यू फिक्सर क्लासलेस पता नहीं क्या क्या कर दिया, और वो जोश में आकर के लिखा पढ़ी और बोला। अच्छा, बोली सब कर दिया। ये वही आदमी जिसने कहा था मैंने ग्राउंड में एक शब्द नहीं बोला, अब ग्राउंड में एक शब्द नहीं बोला, वहां पर कुछ रिकॉर्डेड नहीं है, दिमाग में क्या जाएगा, वही कह रहा हूँ रिकॉर्डेड वहां कुछ नहीं था, जहां बोल देते ना बोल रहा है, एक रिप्लाई कर रहा था किसी ने कि अरे कोहली की तरह करकुरा के निपटा देते, क्यों आकर के यहाँ बखेड़ा खड़ा कर है वही ना, मतलब आप मैदान में बात करते कोई पंगा नहीं होता, आपको कुछ नहीं करना, वहां पर जो भी गर्मा गर्मी थी बातचीत हुई करके उसको अलग कर देते, लेकिन आपने क्या करा, आप आए बाहर ले ली वही वाली बात है यार, आप बाहर आए, बाहर आने के बाद आपने वीडियो बनाई और पूरे खानदान को बता दिया, पूरे मोहल्ले को बता दिया, और आपको लगा नहीं 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 अभी भी लोग मुझे गलत समझ सकते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ लाइव जाता हूँ, मैंने लाइव जाकर के पूरी कहानी सुना दी, फिर उस आपको लगा कि यार लोग बहरे तो नहीं है, लिख करके बता देता हूँ, तो आपने रिप्लाई में पूरा भर दिया, मतलब आपने अपने जो इन्होंने कहा वही कर दिया आपने, अब उसका जो अंजाम होने वाला है वो भाई श्रीसंत के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे अभी असद उतार थे ना, IPL खेलते हो आप, यंग हो आप, मतलब अभी अगर खेल सकते थे, IPL खेलते नहीं हो आप, इंडिया से बाहर निकल चुके हो, फिक्सिंग का पंगा पड़ चुका था आपके ऊपर, LCC खेल रहे थे, कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन देखो दिमाग में लोगों से भाई ऑब्वियसली भाई देखो अजहरुद्दीन वाले सीन में किया हुआ था कि आप भले से कोर्ट में जीत जाओगे लेकिन लोगों के सामने वापस वो इज्जत पाने, लोगों के नजर में, जी हाँ लोगों के नजर में आप फ्लॉप हो जाओगे, और मुझे लग रहा है श्रीसंत, और देखिए एक चीज होती है ना सर कि आप जितना बार बार कहोगे ना, आप जैसे आपने मुझे अगर थप्पड़ मारा, अब मैंने कहा यार गलत मारा यार, उनको जाएगा, अब मैं अगर दोबारा उनके पास जाऊंगा ना यार असन थप्पड़, तो कहेगा भाई जा यार क्या ड्रामे कर रहा है, मुझे तो रिपीटेड चीज नहीं अच्छी लगती है, आपने वीडियो बनाई, आप लाइव गए, आपने कमेंट करा, दिस वॉज वे टू मच, यू शुड हैव लाइक जस्ट वेटेड कि देखते हैं भाई क्या होता है, पहले वीडियो में कहा था कि वक्त आने पर सबके सामने आ जाएगा, That was enough, आप वक्त तो देते, कम से कम आपने हर तरफ जाकर के बवाल जो खड़ा कर, अगर आप सही भी हो ना तो भी आप गलत हो जाओगे, अब हो जाओगे, क्योंकि आप LCC नोटिस ऑलरेडी दे दिया है। हाँ। तो ये पूरा मुद्दा जो आपने उठाया वो आपने उठा करके अपने ऊपर ही गिरा लिया तो यही रहा कुल मिला के। खैर आपको क्या लगता है कि गंभीर या श्रीसंत दोनों में से कौन सही गलत, देखो इसमें नहीं बता सकते, बस आप इतना बता सकते हो कि यार क्या वाकई में श्रीसंत ही पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे थे या फिर सच में इतने बड़े इंसिडेंट हुई है। हाँ बिल्कुल,
अपनी राय आप कमेंट में हमें जरूर बताएं।